हवा, ठीक है, ये इतना करें। इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, तीन लौंग ले, साबुत लौंग, तीन लौंग मात्र इस यंत्र पर रखें और इसको इस तरीके से लपेट लें, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्पेशल वशीकरण मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। स्पेशल वशीकरण जो कि आपको एक यंत्र बनाना है, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा वैसे ही यंत्र आपको बनाना है। और एक बार फिर से आपका स्वागत है लमंत्राव उपाय यूट्यूब चैनल में। आपको क्या करना है, एक सफेद पेज ले आप, इस यंत्र को किस तरीके से तैयार करना है वो देख ले आप। सबसे पहले यंत्र को तैयार करना सीख ले, आपको एक चकोर बनाना है। ये स्पेशल वशीकरण है, ये आप स्त्रियां खास करके किसी अगर पुरुष को वशीकरण करना चाहते, किसी लड़के को जिससे प्रेम करते हो उसका वशीकरण करना चाहते तो स्पेशली इस उपाय को करेंगे तो आपको हाथों हाथ इसका परिणाम मिलेगा। मात्र तीन दिनों में इसका उचित परिणाम आपके सामने होगा। तो आपको एक चकोर बनाना है, सबसे पहले इस तरीके, बिल्कुल इस तरीके से एक चकोर बना ले काली शाही से, ठीक है। अब इसके अंदर तीन खड़ी रेखाएं खींच दें, एक दो और तीन, ठीक है, ध्यान पूर्वक देखें। और फिर दो खड़ी आड़ी रेखाएं, ठीक है, इस तरीके से एक चकोर का निर्माण कर ले। अब इसके अंदर जो संख्या अंकित करनी है उससे पहले मेरे आपसे हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा, अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस कार्य को करना गुरुवार, गुरुवार की रात्रि या गुरुवार की संध्या काल में करें। तो जो संख्या है वह सुन लीजिए, ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यानपूर्वक, 11, 9, 7 और 8, यानी कि 8, और फिर 1, 5 यानी कि 5, 3 यानी कि 3, 4 यानी कि 4, 30 यानी कि 13, 13, और ये आपको यहां लिखना है 19, ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यान देखकर बिल्कुल, यहां आपको लिखना है 17 यानी कि 17, और यहां लिखना है आपको 21 यानी कि 21, ये ध्यानपूर्वक देख लें। अब इतना लिख देने के बाद संख्या देख लीजिए ध्यानपूर्वक, पहले आप ध्यान दीजिए, 11, 9, 7, 8, 1, 5, 3, 4, 13, 19, 17, 21 लिख लिया। अब जस्ट इसके पीछे आपको उस इंसान का नाम लिखना है, ठीक है, उसका नाम प्लस में उसकी उसकी आयु, जैसे कि मान लीजिए 25 वर्ष है या 30 वर्ष है, लिख दीजिए। फिर उसकी माँ का नाम, जिनको माँ का नाम पता है माँ का नाम तो वह माँ का नाम लिख दें, और जिनको नहीं पता वह लिख दें हवा, हवा, ठीक है, ये इतना करें। इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, तीन लौंग ले, साबुत लौंग, तीन लौंग मात्र इस यंत्र पर रखें और इसको इस तरीके से लपेट लें, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए। अब इसे लपेट देने के बाद आपको अपनी इच्छा के अनुसार जहां आपके बॉडी का सबसे ज्यादा पसीना आता है वहां आपको इसे रखना है, जहां सबसे ज्यादा बॉडी का पसीना आता है वहां आपको इसे रखना है तीन दिन लगातार। एक टाइम भी, एक मिनट के लिए भी आप स्नान करें तब भी आप इसे अपने सर के ऊपर की जगह रख दें, अन्यथा इसे अपने से अलग नहीं करना है, इसे अपने साथ रखना है। तीन दिन के लिए रखें और तीन दिन के बाद आपको क्या करना है, अपने घर से बाहर जाकर कहीं भी इसे जलाकर इसकी राख को उस इंसान की घर की तरफ देखकर फूंक मार दें, घर की छत पर जाकर, बस इतना सा उपाय करें, सामने वाला इंसान आपका वशीकृत हो जाएगा। पूरे ध्यानपूर्वक इस टोटके को करना है और बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसके अलावा अगर आपके जीवन कोई समस्या चल रही है और आप उसका उचित समाधान चाहते तो आप हमें कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया है। इसी साथ आपसे जान चाहूंगा, धन्यवाद।